बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसी भी मुल्क का झंडा उस मुल्क की इज्जत होती है। आलमी दुनिया उस मुल्क को उस मुल्क के तूलो अर्ज़ से नहीं पहचानती, बल्कि इंटरनेशनल दुनिया में ये झंडा ही उस मुल्क की नुमाइंदगी कर रहा होता है। आज हम पाक फ़ौज की अपने सब्ज़ हलाली परचम से मोहब्बत की एक वीडियो आपके सामने रख रहे हैं। इस बड़े झंडे को लहराने से कबल भी इस झंडे को उठा कर रखा गया था, इसे ज़मीन पर लगने नहीं दिया गया। ये हमारे झंडे की तोहीन है, इस मुल्क और इस मुल्क में बसने वाले 24 करोड़ लोगों की तोहीन है। हमारे ये फौजी जवान इस तरह से रिएक्ट करके हमें ज़ुबान हाल से ये दर्स दे रहे हैं, इस अजीम परचम की बेहुरमती ना करना। जबकि दूसरी तरफ हमारा रवैया ये है, हम मुख्तलिफ मौक़ों पर अपने घरों को पाकिस्तानी झंडियों और झंडों से सजाते हैं, लेकिन त्यौहार गुजर जाने के बाद हमारे यही झंडे गलियों में रुल रहे होते हैं, पैरों के नीचे आ रहे होते हैं। अपने परचम की हिफाजत कीजिए। ये हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की भी सुन्नत है कि आपके प्यारे सहाबा परचम को गिरने ना देते थे, यहाँ तक कि उनके बाजू तक काट दिए गए, लेकिन उन्होंने हर सूरत में ही अपने परचम को सरबुलंद रखा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन।